डूइंग यूट्यूब इज़ हार्ड यू डीड थोड़ा मनी थोड़ा सेटअप टू डू यूट्यूब स्केच वीडियो ऑन ऑन रेगुलर बेसिस तो चाहिए ही चाहिए और हमारे पैसे जा रहे थे आ नहीं रहे थे कुछ लिटरली हम लोग दस दस रुपये जमा करके चाय पीते थे इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने वाले क्रिएटर को बिल बोर्ड तक पहुँचते पहुँचने का जो चांस है वो मिला है उसमें से मैं मैं एक मेन आदमी हूँ

क्रिएटिव किड या सभी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले रहा हूँ सभी डांस कॉम्पिटिशन हो ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन हो एक्टिंग हो तो आई वॉज द वन हु इज़ पार्टिसिपेटिंग इन एवरी वे लाइक राइट फ्रॉम स्पोर्ट्स टू स्टडीज इवन आई यू लाइक पेंटिंग और टेकिंग कॉम्पिटिशन लाइक डिबेट्स और ये स्पीच ये सब मैं करता था क्योंकि आई लाइक डूइंग सच टफ़ अदर देन स्टडीज़ एंड ऑल्सो आई वॉज नॉट बैड एट स्टडीज़ बिकॉज माई मॉम इज़ अ टीचर तो अच्छा तो रहना ही पड़ा मुझे स्टडीज़ में uh, तो बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें मैं करते आया हूँ इवेंचुअली जब मैंने स्कूल uh, जब एंड हो रहा था तो आई डिसाइडेड कि आई वॉन्ट टू बी एन कमर्शियल आर्टिस्ट विच इज़ जहाँ एडवर्टाइजिंग की फील्ड हो या फोटोग्राफी हो या ये, ये सब में मुझे बहुत सारा इंटरेस्ट था आ, और आई वॉन्टेड कि मैं जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स और जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लूँ वहाँ पर मैं कमर्शल आर्ट का मेरा जो कोर्स है वो कंप्लीट करूँ सो आफ्टर डूइंग टेन प्लस टू इन कॉमर्स उसके बाद मैंने ट्राइड फॉर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स ऑब्वियसली मुझे नहीं लगा बिकॉज का सी ए टी का एग्जाम और एंट्रेंस बहुत ज़्यादा टफ होता है एंड तब मैंने और फिर ड्रॉइंग प्रैक्टिस चालू कर कर दी और बहुत कुछ चीज़ें करने के बाद एक साल बाद मुझे फिर से एडमिशन मिला इन स्कूल को फर्ट बट तब तक वो एक साल में मेरा इंटरेस्ट कमर्शल आर्ट से स्कल्पचर या फिर थ्री डी उस पर शिफ्ट हो गया था फिर सेकेंड टाइम सी ई टी देने के बाद मैंने आ, फाइन आर्ट्स में एडमिशन ले लिया Uh, जो सेकेंड पार्ट है ऑफ़ जे जे स्कूल ऑफ आर्ट जहाँ पे आप पेंटिंग टेक्सटाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्कल्पचर ये सब चीज़ों को आप सीख सकते हो उसमें डिग्री ले सकते हो तो उसमें से मैंने मेटल वर्क uh, का जो डिपार्टमेंट है उसमें एडमिशन लिया था जो कि है जहाँ पे आप बहुत सारे मेटल स्कल्पचर्स और ये सब सीख सकते हो उसके बारे में ज्वेलरी डिज़ाइनिंग मेटल रिलेटेड जितना भी क्रिएटिवली आप काम कर सकते हो वो सब वहाँ सिखाया जाता है एंड uh, वो चार साल मैंने वहाँ पे जे स्कूल ऑफ़ आर्ट के जो चार साल थे वहाँ पे मैंने आ, बहुत सारा यू नो you know, मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्चुअली वहाँ पे हुआ बिकॉज ऑफ द कैंपस जो तरीके का काम वहाँ पे होता है जिस तरीके के लोग वहाँ पे होते हैं यू आर सराउंडेड बाय आर्टिस्ट तो आपका एक विजन अलग होते जाता है एंड यू स्टार्ट यू स्टार्ट इवेंचुअली एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स थ्रू योर आर्ट तो वो एक्चुअल जो एक मैंने बस सुना था कि आर्ट इज़ एक्सप्रेशन ये वो तो एक्चुअल वो एक्सपीरियंस मैं जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में कर रहा था वाइल आई वॉर स्टडिंग इन जे जे कैमरा uh, मेरे हाथ में आ गया कहीं से और आई स्टार्टेड फिल्मिंग आई स्टार्टेड शूटिंग तो वो उसमें बहुत सारा बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट आने लगा ना मुझे कि हाँ ये ये एक जो मीडियम है इससे मैं कुछ अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ ये मेरे दिमाग में थॉट्स बहुत चल रहे थे उस समय क्योंकि मैं मेटल वर्क भी कर रहा था जे जे में पढ़ भी रहा था तो एक आर्ट का जो आपके ऊपर उसका जो प्रभाव रहता है या फिर आप बोलते हो कि संस्कार अपन महाराज बनो कि संस्कार होता था अपने गोष्ठी जी वो ईस्ट साइड से चल रहा था द टूल आई वॉज यूजिंग वॉज कैमरा तो ये ये बैलेंस में मैं जी रहा था लाइक दो साल आई वॉज इन टू दिस थाट कि यार ये कुछ अलग हो रहा है पर मज़ा आ रहा है कि मैं सीख रहा इस चीज़ इस चीज़ के बारे में हूँ पर वो इम्प्लीमेंट कैमरा के थ्रू हो रहा है तो आई आई वॉज फीलिंग द शिफ्ट ऑफ यू नो कि फीलिंग दैट कि हाँ ये एक्सप्रेशन अपन किस किस तरीके से आ, इसको रख सकते हैं सामने किसी के सामने एक्सप्रेस करना किस तरीके से हम आ, कर सकते हैं ये सब मैं वो चार साल में मैंने बहुत कुछ सीखा एंड देन आई डिसाइडेड कि चलो अभी ये मेटल वर्क तो मैंने किया है पर आई शुड चूज कैमरा एज माई फुल टाइम एक्सप्रेशन तो उसके बाद मैंने फिर फिल्म मेकिंग सीरियसली लेके आई स्टार्टेड वर्किंग डायरेक्टली एज अ फ्रीलांसर वहाँ पे मैंने बहुत सारे एड्स डिजिटल एड्स ऐसे शूट करना चालू किया बाय दैट टाइम कॉन्टैक्ट्स भी बन गए थे आई डोंट नो हाउ बट पैसा आना चालू हो गया था तो आई चोज कि नहीं यही करना so, like है अभी आगे सो फॉर लाइक फोर फाइव इयर्स आई आई वर्क एट एज अ फ्रीलांसर मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हैं एज अ डी मैंने काफ़ी एड्स शूट किए हैं डिजिटल एड्स मैंने काफ़ी ज़्यादा शूट किया है क्योंकि तभी यूट्यूब बूम हो रहा था बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लोगों ने एडवर्टीज़मेंट प्रमोशन करना चालू कर दिया था और टी वी से थोड़ा थोड़ा ब्रांड्स यहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे तो उस उस समय में ई कॉमर्स वेबसाइट्स और ये ये सब ऐसे चीज़ों का एड्स बनाना मैंने जो डी एस एल आर बेसिस पे ही कर रहा था पर काफ़ी काम करने के बाद मैंने थोड़ा टी वी लेवल टी वी सी लेवल पर भी काम किया जहाँ पर आप बड़े कैमराज के साथ काम करते हो तो वैसे मैंने एक दो एड्स भी किए अराउंड टू थाउजेंड सिक्सटीन आई मेट माई आई मेट अ फ्रेंड कॉल करन यू माइट बी नोइंग एज वेल हुई इज फोकस्ड इंडियन और उसका एक यूट्यूब चैनल ऑलरेडी था और उसे हेल्प चाहिए थी कुछ वीडियो शूट करने तो आई वेंट अ डे की वो मेरे नज़दीक ही रहता है एरिया में तो एक बार मैं चला गया उसके पास कि चलो शूट करके देता हूँ तुझे एक वीडियो मैं फ्री था करके तो वो मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा कि अरे ये कुछ अलग है ये कुछ क्रिएट करने के जैसे ही है जैसे एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं या फिर एक फिल्म बनाते हैं उसी की तरह एक कॉमेडी वीडियो स्केच कुछ बना रहा था वो और मैं उसे शूट कर रहा था सेकेंड uh, डे फिर फिर मैं वापस गया तो मैंने कुछ उसे सजेशन देना भी चल रहा कि तू ऐसा नहीं ऐसा कर थर्ड डे आई वॉज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा क्योंकि उसे लग गया अरे काम कर तू भी आ जा ये ये तू कर वो कर तो ऐसे करते करते पता नहीं कब हम लोग ने यूट्यूब चैनल फुल टाइम काम करना चालू कर दिया और साइड बाय साइड मेरे फ्रीलांसिंग फिल्म मेकिंग के या एस डी ओ जो भी है काम मैं कर रहा था तो ये सब इन हैंड इन हैंड चल रहा था बाय द टाइम टू थाउजेंड तक एटीन तक ऐसा हो गया था कि पैसे ख़त्म हो गए थे सब करते करते घर से पैसे मांग रहे थे कि अरे तू कुछ कर नहीं रहा है चार साल हो गए तुझे पास आउट होके टू थाउजेंड फिफ्टीन में जयसुल्फाज से पास आउट हो गया एज अ बैचलर्स इन मेटल वर्क ऐसे बट आई वाज नॉट डूइंग मेटल वर्क बट आई वाज डूइंग समथिंग एल्स जो जिससे पैसे आ रहे थे पर काफ़ी कम पैसे आ रहे थे तो और ये यूट्यूब चैनल का हम लोग ने फिर चालू कर दिया था दो हज़ार सोलह से हम लोग कर रहे थे ये यूट्यूब चैनल जिसमें मैं और करण का हमारा यूट्यूब चैनल था उसका नाम था ह्यूमर अस आ, पर पैसे ख़त्म होते जा रहे थे तो इट वॉज़ हाई टाइम की और करण ने भी एक साल पहले जॉब छोड़ दिया था जो कि 2017 में करण ने जॉब छोड़ दिया कि हाँ चल हम लोग अभी फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन करेंगे बट वो कुछ हो नहीं पाया क्योंकि यूट्यूब डूंग यूट्यूब इज़ हार्ड यू रीड थोड़ा मनी थोड़ा सेटअप टू डू अव स्केच वीडियो ऑन ऑन रेगुलर बेसिस तो चाहिए ही चाहिए और हमारे पैसे जा रहे थे आ नहीं रहे थे कुछ तो इवेंचुअली हम लोग ने ये डिसाइड किया कि एक कुछ तो जॉब देखना पड़ेगा नहीं तो अभी भूखें भूख भुक, भूखे मर जाओगे भीक मा, मांगने की बारी आ जाएगी इतना टाइम आ गया था हम लोग पे लिटरली हम लोग दस दस रुपये जमा करके चाय पीते थे जब एक जगह पे हम जहाँ पे काम करते थे तो ऐसा होने के बाद एक मराठी डिजिटल प्लेटफॉर्म है यूट्यूब चैनल है भाड़ी पा करके उनकी तरफ से हमें एक कॉल आ, आया एक दिन कि वी आर लुकिंग फॉर इन हाउस सोशल मीडिया पीपल सो वुड यू लाइक टू जॉइन हियर वगैरह वहाँ पे अच्छा सैलरी मिल रहा था तो वो सैलरी देख के तो मैं बोला चलो मैं तो कर रहा हूँ अभी जो है मैं सीख लूँगा क्योंकि अभी पैसे मिलने वाले पैसे नहीं थे मेरे पास अभी मुझे पैसे मिलने वाले तो वो आ, वो हम लोग ने ऐसे डिसाइड कर लिया कि नहीं चलो करते हैं तो मैं और करण वहाँ पे ज्वाइन हो गए तो वहाँ पे हम लोग ने काफ़ी सीखा अबाउट सोशल मीडिया कि आ, किस तरीके से सोशल मीडिया वर्क करता है किस तरीके से सोशल मीडिया एक्चुअली फंक्शन करता है तो और वो मुझे भी था कि यार अभी डिजिटली बहुत सारी चीज़ें बूम होने वाली हैं या द मेन कॉन्टेंट एंड एंटरटेनमेंट इज़ शिफ्टिंग टू सोशल मीडिया तो वी शुड नो समथिंग अबाउट सोशल मीडिया कुछ तो एक बेस तो एटलीस्ट अच्छा पता होना चाहिए कि तुम एक्चुअली सोशल मीडिया क्या चीज़ है तो आई वॉज द सोशल मीडिया हेड फॉर द थ्री ऑफ देयर यूट्यूब चैनल्स तो ये दो साल काम करने के बाद आई वॉज़ लाइक कि हाँ ये अभी मैंने काफ़ी सीख लिया है तो ये लॉकडाउन uh, जब हुआ 2020 में घर से काम कर रहा था वर्क फ्रॉम होम हो रहा था तब वो एक्चुअली फील हुआ कि हाँ ये अभी जो टाइम है उसका कुछ तो यूटिलाइजेशन होना चाहिए जो एक्स्ट्रा टाइम है तो वो फिर हम लोग मैंने ऐसा सोचा कि चलो खुद के ही प्लेटफॉर्म पे मैंने वीडियो मैंने वीडियो करना चाहिए या मैंने वीडियो बनाना चाहिए तो वो मैंने चालू किया वीडियोज़ बनाना करण उसके इस पर कर रहा था मैं मेरे इस पर कर रहा था तो एक अराउंड चार पाँच महीनों में कुछ थोड़ा अच्छा फॉलोअर्स अच्छा बेस आने लगा आ, तो क्योंकि तभी तो सभी लोग फ्री थे लॉकडाउन का टाइम था और सभी लोगों को पसंद आ रहा लोगों का टाइम ही टाइम था तो सोशल मीडिया वाज़ द तो ओनली थिंग पीपल वर रिलाइंग ऑन फॉर एंटरटेनमेंट तो उसी का आई गेस फ़ायदा हुआ है अराउंड ऑगस्ट 2020 मेरे कुछ दस हज़ार फॉलोअर्स कम्पलीट हुए और थोड़ा सा एक अंदर जैसा कॉन्फिडेंस आया कि चलो यार एक फुल टाइम करके देखते हैं क्या जॉब छोड़ के तो ये ऐसे कॉल आया और मुझे सेचुरेशन पॉइंट भी आ गया था सोशल मीडिया कर करके कि यार सोशल मीडिया अभी क्योंकि वो एट दी एंड एक एनाटिकल जॉब जैसे ही हो जाता है बहुत स्टैटिस्टिक्स और ये वो वही बहुत सारा हो जाता है क्योंकि वो पर्टिकुलर रहना पड़ता है बहुत अलर्ट रहना पड़ता है कभी क्या हो रहा है बाहर क्या ट्रेंड्स क्या ये वो तो मैंने उसके बाद जॉब क्विट कर दी एंड देन आई डिसाइडेड कि चलो अभी फुल टाइम मैं कंटेंट क्रिएशन ही करूँगा एंड बाय दिसंबर हाँ डिसम्बर जैन मेरे कुछ एक लाख फॉलोअर्स हो गए थे जैसे ही मैंने जॉब छोड़ा मैंने आ, वीकली व्लॉगिंग का भी चालू आ, कर दिया क्योंकि मुझे पता नहीं पर ऐसे लगा कि चलो एक व्लॉग चालू कर देते हैं यूट्यूब पर बट वो डिसीजन काफ़ी अच्छा था क्योंकि वहाँ पे भी मुझे अच्छा ग्रोथ मिला बिकॉज ऑफ डेली ब्लॉगिंग वीकली ब्लॉगिंग जो मैं अभी भी कंसिस्टेंटली करते आ रहा हूँ एक साल ऑलमोस्ट आज दिसे, अभी दिसंबर ही चल रहा है जो तो, uh, एक साल अभी हो गया लास्ट मंथ लास्ट लास्ट टू लास्ट व्लॉग में एक साल वाला व्लॉग था जहाँ पे मैं कंटिन्यूसली हर संडे एक साल हो गया मैं ब्लॉग्स अपलोड कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी काफ़ी यूट्यूब पर ग्रोथ हो गया इंस्टा पे तो ग्रोथ चल ही रहा है जो दिसंबर जैन फेब ऐसे एक एक लाख हर एक महीने बढ़ते जा रहे हैं फॉलोअर्स तो उसके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आई तो सब जो सब पहले सोचा था कि ये सब ऐसे होता है कॉन्टेंट क्रिएशन लोग ऐसे बढ़ते हैं वो वही सब क्योंकि मैंने सोशल मीडिया में काम करके मैंने लोगों के लिए बहुत सारा काम किया है या लोगों के लिए मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज ये वो प्लान किए पर कभी खुद के लिए सोचा नहीं था और ऑल दिस आई वाज रनिंग आफ्टर मनी कि चलो पैसे कमाने अभी कुछ तो स्टेबल इनकम चाहिए तो उसके पीछे भागते भागते आई फॉगॉट कि मैं खुद एक क्रिएटर हूँ और ये जब मैंने खुद क्रिएशन वापस चालू करने के बाद मुझे वो समझा कि यार कितना पावर है आई ऑलवेज ट्राई कि जो भी मैं करूँ जो भी मैं करूँ वो सब ओरिजिनल हो कॉपीड ना हो कहीं से भी किसी से भी वो आइडिया मैच ना करे आई मेक श्योर कि वो ओरिजिनल ही हो और ऐसा थॉट हो कि किसी के दिमाग में आया नहीं है आई नो इट इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम बट यू should कीप ट्राइंग फॉर that. द मेन हाईलाइट ऑफ अभी तक के मेरे जर्नी का अगर मैं बोलूँ तो ये था कि इंस्टाग्राम से सामने से एक अपॉर्चुनिटी आया फॉर अ फोटोशूट एंड वी वेंट फॉर अ फोटोशूट एंड बाद में जब फोटोशूट होने के बाद हमें समझा कि ये फोटोशूट्स शूट इंस्टाग्राम का एक कैंपेन है इन द मेकिंग और वो कैम्पेन बिलबोर्ड्स में होने वाला है ऑल ओवर मुंबई और कोई कुछ पार्ट्स ऑफ द नेशन तो डैट वॉज लाइक कि अरे ये तो मतलब कुछ अचीव कर ले वाला फीलिंग तब आ गया था कि यार बिल uh, बोर्ड्स पे आ गए और क्या चाहिए लाइक आई ऑलवेज थाट कि अरे चलो मैं थोड़ा एक्टिंग में अगर कुछ आगे जाके कर लूँ तो मूवी के पोस्टर वगैरह लगेंगे बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट एक इंस्टाग्राम वीडियो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने वाले क्रिएटर को बिल बोर्ड तक पहुँचते पहुँचने का जो चांस है वो मिला है उसमें से मैं एक मेन आदमी हूँ कि वी थ्री मिस और कर हम तीनों का फोटोशूट हुआ था एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एक क्रिएटर लेवल पे होके आई ग्रीव दिस बिग ऐसे बोल सकते अब कि इतने बड़ा मैं हो गया कि मैं बिल बर्ड्स पर आ गया एंड दैट्स दैट वॉज लाइक रियली अचीवमेंट वाला फीलिंग बट ठीक है नेक्स्ट डे मैं भूल गया नॉड बैक टू वर्क एंड दैट इज़ द मेन थिंग आई विल आई वुड लाइक जैसे कि बिलीव इन योर सेल्फ विल पावर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप मेहनत करते रहो कंसिस्टेंटली और ऑनेस्टली काम करते रहो आपको सक्सेस मिलना ही है Josh Talks is now a Spotify exclusive podcast. The audio version of our talks will be available only on Spotify. If you like this video and you'd like to listen to more inspiring stories like this, please follow the Josh Talks podcast only on Spotify. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share, and subscribe.